दोस्तों आपने मिर्जापुर सीजन 3 तो देखा ही होगा, कितना ज्यादा इसमें कचरा रहा। हम लोग जितना एक्सपेक्टेशन लगाए थे सीजन 3 से, उससे कई गुना मतलब घटिया इस सीरीज था। और आपने सीजन 1 में देखा होगा क्या सीरीज था मिर्जापुर सीजन 1। फिर उसके बाद सीजन 2 था जो वो थोड़ा सा वीक रहा, लेकिन वहाँ भी ठीक ठाक था सीजन 2, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलर चेहरे थे या वो मुन्ना त्रिपाठी हो, पंकज त्रिपाठी हो, सारे थे। लेकिन इस सीरीज में सीजन 3 में मुन्ना त्रिपाठी को ही मार दिया गया, मकबूल को हटा दिया गया, बाबूजी को हटा दिया गया, तो ये सब मेन कैरेक्टर को हटा दिया गया। तो सीजन 3 तो बहुत ज़्यादा कचरा था। और हम आइए बात कर रहे थे सीजन 4 में क्या होने वाला है। आपने अगर देखा हो मिर्जापुर सीजन 3 तो लास्ट एंडिंग में ही पता चल जाता है कि सीजन 4 इसका आने वाला है। आपको लास्ट एपिसोड 10वें एपिसोड को अगर आपने अच्छा से देखा होगा तो इसको लास्टवें एपिसोड तक वहाँ पता चल जाता है सीजन 4 में क्या होने वाला है। मकबूल को रिवील किया जाता है वो पत्थर तोड़ते रहता है। इस सीरीज के 10वें एपिसोड में हमें यह भी देखने को मिला गुड्डू और गोलू एक साथ भाग रहे होते हैं पानी के रास्ते नाव में बैठकर, कहाँ वो जा रहे होते हैं ये सीजन 4 में हमें देखने को मिलेगा। उनका लाइफ में क्या कुछ होता है, वो मिर्जापुर पे कैसा एक प्रभाव डाल सकते हैं, ये सीजन 4 में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है। फिर उसके बाद लाला मर चुका है, उसकी बेटी अब व्यापार चलाती है, उसका क्या करती है ये हमें देखने को इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद आप देख लीजिए शरद शुक्ला का मतलब उनकी जो माँ है वो तो पागल सी हो चुकी है, सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हिसाब करने वाली है सीजन 4 में, क्योंकि उनकी उनका बेटा ही मर चुका है, पति मर चुका है, वो क्या कुछ करती है पश्चिम से ये भी हमें देखने को इस सीरीज में मिलेगा। फिर उसके बाद आइए सबसे माइंड गेम जो खेली है बीना त्रिपाठी, जो कि गद्दी पर बिना बैठे हुए भी वो मिर्जापुर को कंट्रोल कर रही है सिर्फ दिमाग से। पहले तो मुन्ना को हटाया गद्दी से, मरवा दिया, फिर उसके बाद गुड्डू को हटाया गद्दी से, मरवा दिया। अब बारी आती है उनके बेटे की, जो छोटे सा उनका बेटा है वो मिर्जापुर को कंट्रोल करेगा, ये हमें सीजन 4 में देखने को मिलेगा। और उसके अगल बगल जो बिल्ली घूम रही होती है उसके बेटे के अगल बगल, जिसे बिना त्रिपाठी टोकरी में बंद करके चली जाती है, वो बिल्ली अभी भी जिंदा रहती है, तो वो बिल्ली का भी हमें एंगल देखने को मिलेगा, वो बिल्ली क्या इशारा करना चाहती है ये हमें देखने को मिलेगा। पश्चिम वर्सेज मिर्जापुर का लड़ाई तो तगड़ा होने वाला है बहुत सीजन 4 में। और सीजन 4 में अगर मुन्ना त्रिपाठी नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि हमने 4 साल का वेट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा होगा सीजन 3 में मुन्ना त्रिपाठी मर चुका है, उसका कहानी खत्म हो चुका है, तो बॉस ये आपकी गलती है, क्योंकि सीजन 3 में एक चीज रिवील नहीं किया गया है। आपको पता होगा उसकी जो बीवी है जो सीएम थी वो आसानी से क्यों मान लेती होगी उसका पति मर गया है, या फिर वो उसकी अंतिम संस्कार करते हुए दिखाती है, ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका पति अभी नहीं मरा है, पूरी दाल काली है, दाल काली सिर्फ नहीं है पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि इसे रिवील किया जाएगा सीजन 4 में। हमें मुन्ना त्रिपाठी को भी देखने को मिलेगा सीजन 4 में, आई एम श्योर कि मुन्ना त्रिपाठी सीजन 4 में होंगे ही होंगे, क्योंकि मेन कैरेक्टर को सीजन में नहीं रखा जाए ये बहुत बड़ी गलती होगी। और हमें रिवील किया जाएगा कि मुन्ना त्रिपाठी कैसे आते हैं सीजन 4 में और वो सीजन 3 में क्या कुछ तरीके से गायब हो जाते हैं, ये हमें सीजन 4 में देखने को मिलेगा। गद्दी की लड़ाई सीजन 4 में भी जारी रहने वाली है, अब कालीन भैया के ऊपर डिपेंड करता है या वो अपने छोटे बेटे यानी कि जो अभी अभी जन्म लिया है उसको गद्दी पर बैठाते हैं वो बड़ा होता है तो, या फिर अपने बेटे मुन्ना त्रिपाठी को वो गद्दी पर बैठाते हैं, ये सीजन 4 में हमें देखने को मिलेगा। और मकबूल और बीना त्रिपाठी दोनों का भी एक कॉन्स्परेंसी हमें देखने को मिल सकता है सीजन 4 में। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि सीजन 4 में क्या कुछ होता है, क्योंकि सीजन 4 तो आने वाला ये कन्फर्म है। आप अगर मिर्जापुर सीजन 3 देख रहे हैं तो उसको लास्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, 10वें एपिसोड को स्किप मत करिएगा कि खत्म हो गया समझकर, लास्ट में कुछ इम्पैक्टफुल चीज है। सो गाइस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैंने मिर्जापुर का सीजन 4 के बारे में बताया कि क्या कुछ हो सकता है, यही अपडेट था। मिर्जापुर सीजन 4 आ रहा है, आपको भी पता है अगर आपने मिर्जापुर सीजन 3 के लास्ट एपिसोड 10वें एपिसोड तक देखा है तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय मातरम, जय श्री राम।